हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड। और पिछला वीडियो जो गूगल वर्सेस फेसबुक था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप लोग के कमेंट्स भी मिल रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। उन्हीं कमेंट्स को मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे पता चला बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी और फोन के मीडियम से भी लोगों ने बोला कि व्हाई नॉट ट्विटर, ट्विटर के बारे में बात करो, ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म बहुत जानते नहीं है लोग। सो हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। एंड एक चीज़ स्पेशली आज के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लिंक्डइन भी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल एंड बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अच्छी बात है। बट ट्विटर की अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने फ़ायदे हैं। सो आज हम ट्विटर पे स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। सो ट्विटर हाउ इट डिफर फ्रॉम अदर्स। मैं आपको मेजरली चार आज बेसिक्स बताने वाला हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के, जिससे आपका पूरा फंडा ट्विटर का क्लियर हो जाना है और आपको ट्विटर के बारे में पता चल जाना है, प्लेटफॉर्म के बारे में। जिसको मैं दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ, टू पार्ट्स। वन इज कंटेंट एंड वन इज रीच। तो कंटेंट इज मोर ऑफ आर्ट पार्ट एंड रीच इज मोर ऑफ अ साइंस पार्ट। सो मेरा पहला पॉइंट जो कि कंटेंट में आता है, ये कि ट्वीट्स, ट्विटर का कंटेंट मतलब ट्वीट्स, आपको ट्वीट्स बनानी होती है। सो ट्विटर जो है वो हमें कम स्पेस देता है, प्रीवियसली तो बहुत ही ज़्यादा कम देता था। पहले ट्विटर स्पेस देता था 140 कैरेक्टर्स, अब हमें वो स्पेस देता है 280 कैरेक्टर्स। बट उसने एक नया चीज़ ले आया है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड्स। तो आप थ्रेड्स में आप पूरी कहानी भी लिख सकते हो, आप थ्रेड वन, थ्रेड टू, थ्रेड टू, ऐसे करके आप थ्रेड्स चला सकते हो। सो ऐसे करके ट्विटर ने अपनी लिमिटेशन हटा दी, आप कंटेंट लिख सकते हो। बट स्टिल ट्विटर इज अ वेरी क्रिस्प, क्रिएटिव एंड टू द पॉइंट। हाँ, टू द पॉइंट और क्रिएटिव दोनों में बोल रहा हूँ आपको। तो आपको पॉइंट में भी रहना है और थोड़ा क्रिएटिव भी रहना है। तो अगर आपका कंटेंट शॉर्ट है तो जल्दी वो समझ आएगा लोगों को, ट्विटर में ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी और लैंग्वेज, कि हम ट्वीट का कंटेंट बना लें तो कितना बनाएं, कितनी पोस्ट करें, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें। सो ट्विटर एज मतलब जैसे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम कंटेंट लिमिटेड डालते हैं क्योंकि उसके अंदर एक ब्रीदिंग स्पेस भी देनी होती है कि भाई कंटेंट थोड़ा सा ट्रैवल हो। ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म बड़ा अडाप्टिव है, वो मतलब आराम से आप हर घंटे ट्वीट कर सकते हो और इनफैक्ट आप ठीक ठाक 5 to 6 ट्वीट्स करते हो। ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म को इक्वली कंसिडर करता है, सबको प्रॉपर वो वैल्यू देता है। लैंग्वेज जो है ट्विटर में वो आपको हिंदी इंग्लिश सारी तरीके की लैंग्वेज ट्विटर सपोर्ट करता है। बट जनरली हमने कंसिडर किया है, हमने देखा है कि हिंदी पे मासेस का रिस्पांस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया इज़ बेसिकली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस आता है। इंटेलेक्ट कंटेंट इंग्लिश में ज़्यादा रिस्पांस आता है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक देखा है। हमने बहुत सारे ट्विटर हैंडल चलाए हैं, खुद के भी हैंडल चलाए हैं, तो उससे जो एक्सपीरियंस आया हमें वो बता रहे हैं। सो कंटेंट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट वाज कंटेंट, जिसमें दो बातें बताई आप मैंने। क्रिस्प, पहला चीज़ है क्रिस्प, शॉर्ट, क्रिएटिव। सेकंड है हमारा 5 to 6 फ्रीक्वेंसी, आराम से कर सकते हैं। और कंटेंट सिर्फ थोपना नहीं है, आप दूसरे कंटेंट पे जाके कोट ट्वीट करें, कमेंट करें, रिप्लाई करें, थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, इससे आपका ट्विटर इंप्रेशंस भी अच्छे होते हैं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा रीच, साइंस पार्ट। तो इसमें मैं पहली बात, फर्स्ट पॉइंट जो बताना चाहता हूँ आपको, वो है हैशटैग्स। सो हैशटैग्स आर नॉट द गेम इन ट्विटर। अब हम इंस्टाग्राम में बहुत सारे हैशटैग यूज कर लेते हैं, फेसबुक में कर लेते हैं, लिंक्डइन में कर लेते हैं, लेकिन ट्विटर का एल्गोरिथम थोड़ा सा हैशटैग को लेके ना सेंसिटिव है, वो मतलब कॉन्शियस है। अगर बहुत ज़्यादा हैशटैग्स देखते हैं तो वो कंसिडर करता है, उसके इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं। सो आप ट्विटर में एक आध हैशटैग रिलेवेंट यूज कर सकते हो, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, उससे आपका स्पैम होने का चांसेस है। ट्राई यूजिंग मोर रिलेवेंट कीवर्ड्स, ट्विटर कीवर्ड्स पे बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। तो अच्छी बातें जो चल रही हैं बातें, उस पर अगर आप रिलेवेंट कीवर्ड डालोगे तो उसका रीच अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ हमारे फोर्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। तो फॉलोअर्स जो है ना, वो कोई बड़ा गेम नहीं बचा है, नंबर्स के पीछे मत भागो। एंगेजमेंट, रिस्पॉन्स, रीच, इम्प्रेशन, यही मैटर करता है।
बहुत सारे ट्विटर के अकाउंट मतलब इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स लेके, ज़्यादा फॉलोअर्स लेके भी उन पर कोई रीच नहीं होती है, और बहुत कम फॉलोअर्स के साथ किसी की रीच बहुत अच्छी होती है। तो गेटिंग फॉलोअर इज ऑर्गेनिक, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक सिस्टम है, नॉट मैजिक। कीप ट्वीटिंग एंड टैगिंग रिलेवेंट कंटेंट विद रिलेटेड पीपल। तो ट्विटर हमें एक ऑप्शन देता है कि हम रिलेवेंट लोगों को टैग कर सकते हैं, या फिर हमें स्पेसिफिकली किसी से बात करनी है तो उनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप करते रहें, इससे आपकी रीच अच्छी रहेगी, लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों तक आपको पहुंचानी है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ज़बरदस्ती टैगिंग, अगर किसी ने आपको DM कर दिया या मैसेज कर दिया कि डोंट टैग मी, तो पूछी मत ना, मतलब दैट इज कम्प्लीटली लोगों का प्राइवेसी एंड वो रूल्स है। तो आप करें एक बार, रिलेवेंट लोगों को करें और इंटरेक्ट करें, बट किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसे ना करें, ठीक है। सो आज मैंने आपको 4 फंडामेंटल्स बताए हैं ट्विटर यूज करने के, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारी चीजें। 2 मैंने कॉन्टेंट की बात की है, 2 मैंने आपको रीच की बात की है। सो आई होप आपको कंटेंट ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको कुछ इस पर फीडबैक देना है या फिर और डिटेल जाननी है ट्विटर की, ट्विटर मार्केटिंग समझनी है, कंटेंट क्रिएशन समझना है, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है amandeep14, वहाँ कनेक्ट हुई है मुझसे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ढेर सारा ज्ञान आपस में लेंगे, बटोरेंगे। और मैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसमें ऑसम कंटेंट आने वाले, आगे की जो लाइनअप्स हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।